तहत हिंदी अनिवार्य में कक्षा 9 के लिए गृह कार्य भेजा गया है। उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में किया जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, पत्र लिखते समय किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले तो पत्र की परिभाषा ही जान लेते हैं कि पत्र होता क्या है। हर्ष, शोक, सूचना, समाचार, प्रार्थना और स्वीकृति आदि के भावों को लेकर कागज पर लिखी किसी अधिकारी, स्वजन या सामान्य जन को संबोधित वाक्यावली को पत्र कहा जाता है। पत्र लेखन एक कला होती है। एक सुगठित और संतुलित पत्र को ही उत्तम पत्र माना जाता है। अब हमें पत्र लिखते समय, जो कि प्रश्न का इस्माइल 3 के अंदर प्रश्न दे रखा है, उस प्रश्न का आंसर होगा, पत्र लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखना चाहिए? तो पत्र सरल और सुबोध भाषा में लिखा जाना चाहिए। पत्र की भाषा दुर्बोध या कठिन नहीं होनी चाहिए। पत्र का आकार संक्षिप्त होना चाहिए। पत्र में अलंकारों, मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। पत्र का पता और तिथि के कुछ नीचे बाईं ओर संबोधन, प्रिय महोदय, श्रीमान लिखा जाना चाहिए। और पत्र के अंत में पत्र के ऊपर पत्र पाने वाले का नाम, नगर नाम, डाकघर, जिले में प्रदेश का नाम और पिन कोड नंबर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। तो ये पत्र लिखते समय हमें कुछ सावधानियां है वह या कुछ बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगला प्रश्न दे रखा है, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत कौन कौन से पत्र शामिल किए जाते हैं? तो सबसे पहले औपचारिक पत्र की परिभाषा, जिन लोगों के साथ हमारा कोई निजी परिचय नहीं होता है या जिन्हें जिनसे हमारा औपचारिक रिश्ता होता है, उनके साथ किए जाने वाला पत्राचार औपचारिक पत्रों की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे पत्रों में व्यक्तिगत लगाव या आत्मीयता गौण होती है। इनमें तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। महत्वपूर्ण बात है कि इसमें तथ्यों और सूचनाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब औपचारिक पत्रों में कौन कौन से पत्रों को शामिल किया जाता है? तो आवेदन पत्र, व्यावसायिक जो पत्र लिखे जाते हैं उनको भी औपचारिक पत्रों की श्रेणी में रखा जाता है। अव्यावसायिक संस्थाओं के साथ किया जाने वाला पत्राचार भी औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आता है। सरकारी या कार्यालय पत्र जो भी लिखे जाते हैं वह औपचारिक पत्रों की श्रेणी में ही शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं? तो सबसे पहले अनौपचारिक पत्रों की परिभाषा, जिन लोगों के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है उनके साथ किया जाने वाला पत्राचार अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया जाता है। ये पत्र अपने परिवार के लोगों, मित्रों और उनके निकट संबंधियों को लिखे जाते हैं। इनमें अनौपचारिक पत्रों में कौन कौन से पत्रों को शामिल किया जाता है? तो इसमें बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र या किसी प्रकार की जानकारी या सलाह आदि देने के लिए लिखे गए पत्रों को अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है बहुत ही साधारण सा, अपने प्रधानाचार्य जी को 3 दिवस के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। साधारण सी है, 9th का बच्चा इसे आसानी से लिख सकता है। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अपने विद्यालय का नाम लिखें, तहसील का नाम लिखें, नागौर जिले का नाम लिखें यहाँ पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात है विषय, विषय का लिखा जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र वह किस कारण लिखा जा रहा है। तो हमें 3 दिन का अवकाश लेना है, तो अत्यावश्यक कार्य के कारण अवकाश है तो महोदय, सभी ने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। श्रीमान जी, मेरे घर पर अत्यावश्यक कार्य हो जाने के कारण मैं विद्यालय उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान जी, आपसे निवेदन, इस पर मात्रात्मक त्रुटि हुई है, निवेदन है कि आप मुझे 20 जुलाई 2021 से 22 जुलाई 2021 तक 3 दिन अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद। यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य, शिष्य का नाम, कक्षा और यहाँ पर दिनांक कित करना होता है। अंतिम प्रश्न है, आपके क्षेत्र में अनाधिकृत मकान बनाए जा रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा जाना है।
आपके क्षेत्र में अनाधिकृत या अवैध रूप से कोई मकान बनाए जा रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए या उन्हें रुकवाने के लिए जिला अधिकारी को एक पत्र लिखा जाना चाहिए। तो इसका प्रारूप आप ऐसे लिख सकते हैं, सेवा में जिलाधिकारी महोदय नागौर दिनांक, जिस दिनांक को ये पत्र लिखा जा रहा है वह दिनांक आप यहाँ पर अंकित करें। विषय, ग्राम पंचायत में अवैध निर्माण या अनधिकृत मकानों की रोकथाम के लिए पत्र लिखा जा रहा है। महोदय, इस पत्र के माध्यम से श्रीमान जी, मैं आपका ध्यान ग्राम पंचायत नांदोली मेड़तिया में किए जा रहे अवैध निर्माण या अनधिकृत निर्माण की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत नांदोली मेड़तिया में इन दिनों अवैध अनधिकृत निर्माण का कार्य जोरों पर है। ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए पार्क में कुछ लोगों ने अपना सामान जमा कर लिया है और धीरे धीरे अपना कब्जा बढ़ा रहे हैं। ताउन उनकी देखा देखी कर कुछ लोगों ने तो यहाँ डेरा तक लगाना शुरू कर दिया है। बच्चों के खेलने के स्थान पर कब्जा हो जाने से उनके खेलने के लिए अब स्थान ही नहीं रहा है। हमने ग्राम पंचायत स्तर पर प्रयास किए कि उन्हें इस स्थान पर कब्जा करने से रोक सके, परंतु यह संभव नहीं हो पाया। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस और विशेष ध्यान दें, इस अवैध अनधिकृत निर्माण को रोकें और अतिक्रमण को हटाकर पार्क को पुनः दुरुस्त करने का कष्ट करें। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इस प्रार्थना पत्र पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर स्नेह सूचक शब्दों में लिखेंगे, भावदीय समस्त ग्रामवासी नांदोली मेड़तिया। तो इस प्रकार एक शिकायती पत्र है जो कि जिलाधिकारी के नाम, वह आप दे करके आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि स्माइल 3.0 के तहत भेजे जा रहे समस्त गृह कार्य को इस चैनल के माध्यम से आप आसानी से प्राप्त करके नोट डाउन कर सकें। और इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, जहां से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।